तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बस अभी उठे हैं और उठते सीधा हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। नहीं, ब्रश ब्रश कर लिया है, उसके बाद ही आए हैं। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? और जब आप ऐसा नज़ारा देखो ना, तो ब्रेकफास्ट करने का अलग ही मज़ा है। तो नज़ारा देखा था, ये देखो कितना मस्त नज़ारा है। ऐसे नज़ारे में ब्रेकफास्ट करने का कुछ अलग ही मज़ा है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। कुछ ज़्यादा ही अलग मज़ा है ऐसे खुले में। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि आज का स्केड्यूल क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो फिलहाल अभी हमारा प्लान कुछ यू है कि अभी हम फिलहाल पटनी टॉप पे हैं, अपने होटल में। अपने होटल से हम अपने अभी जा रहे हैं नत्था टॉप, वहाँ पर साइट सीन करेंगे और फिर वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसा कैसा नज़ारा है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस आज का मेरा लुक कुछ यूं है। बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसा लग रहा हूँ। अच्छा लग रहा हूँ तो भी बताइए, बुरा लग रहा हूँ तो भी बताइए। तो अभी हम जा रहे हैं नत्था टॉप, तो चलो चलते हैं। ये हमारी कार है और ये हम है और ये हमारी पार्टी हो रही है।
गाइज, वैसे तो हमारा प्लान था कि हम नत्था टॉप जाएंगे, बट नत्था टॉप से फिर हमने सोचा कि 8 किलोमीटर आगे एक सुंदर नगर करके जगह है, वहाँ नत्था टॉप से भी ज़्यादा बर्फ पड़ती है। तो हम फिलहाल वहीं पर आए हुए, तो मैं आपको वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। आप बिल्कुल चौंधिया जाएंगे, बिल्कुल चौंधिया जाएंगे। ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे गाइज, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। अभी मजा आएगा ना भिड़। गाइस कितना प्यारा नजारा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। आसमान को यू चाहिए होगा, बस सबसे ऊपर मैं यू, बाकी सारे नीचे। पैर में चोट होने के बावजूद भी सबसे ऊपर, और इतना बेहतरीन नजारा क्या मजा होगा। तो कुछ ऐसा है यहाँ का नजारा। बर्फ ही बर्फ। बहुत मजा आ गया, मैंने कभी लाइफ में इतनी बर्फ नहीं देखी थी फ्रीजर के अलावा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाकी आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, इतना ज़्यादा कि आप सब यहाँ होते ना तो द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो नो वर्ड्स। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ का नज़ारा कैसा है। ब्लॉग करने का भी मन नहीं है, बट आप सबके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ कि यहाँ का नज़ारा मेरे साथ साथ आप भी इसका लुफ्त उठा सके। तो कितना प्यारा नज़ारा है, और यहाँ की हवाएं बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह।
तो फाइनली हम अपने होटल आ चुके हैं और आप बस काफी थक चुके हैं, तो चलते सोते हैं।